बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आलू गोश्त की रेसिपी। 1.5 kg हमने यहाँ पे बीफ का गोश्त लिया है, 4 अदद हमने यहाँ पे प्याज लिए हैं बड़े साइज के, 1.5 kg यहाँ पे आलू लिए हैं, उसको हमने ऐसे काट लिया, 2 बड़े साइज के हमने टमाटर ले लिए हैं, उसको भी हमने ऐसे काट लिया, 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पे नमक लिया है, 1.5 टेबल स्पून यहाँ पे दादर मिर्च ली है, 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पे हल्दी ली है, थोड़ी सी अजवाइन, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, दालचीनी और ये 6 से 7 हमने यहाँ पे लौंग ली हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। 1/2 कप हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे, 7 हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे, 3 गिलास पानी इसमें ऐड करेंगे, 3 चीज़ें डाल के हम इसको वेट दिलाएंगे ताकि गोश्त हमारा जो है ना अच्छे तरीके से गल जाए, टमाटर गोश्त सब कुछ गल जाए। उसके बाद हम जो है ना प्रेशर कुकर खोलेंगे, उसको भूनेंगे और साथ ही हम जो है ना आलू ऐड कर देंगे इसमें। 15 मिनट का हम वेट दिलाएंगे। चलिए जी 15 मिनट बाद मिलते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम प्रेशर खोलेंगे। ये देखिए जी, टमाटर भी हमारे गल चुके हैं और चिकन गोश्त भी हमारा गल चुका है। दोबारा हम इसको चूल्हे पे रखेंगे और इसको भूनेंगे अच्छे तरीके से। साथ इसका पानी खुश करेंगे। देखिए जी, गोश्त हम भून रहे हैं, इसमें थोड़ा सा पानी रह गया, इसको भी हम खुश करेंगे। ये देखिए जी, गोश्त हमारे बिल्कुल गल चुके हैं, ग्रेवी बहुत अच्छी तैयार हो गई है। गोश्त को हमने अच्छे तरीके से भून लिया है, अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। अब हम इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, आलूओं को हम गोश्त के साथ अच्छे तरीके से भूनेंगे। आलू हमने भून लिए हैं, अब जितना शोरबा हमें चाहिए उस हिसाब से हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अब इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसको दरमियानी आंच में रखेंगे ताकि हमारे आलू गल जाएं और शोरबे को भी एक बॉयल आ जाए। अब हम इसको ढक के रखेंगे 10 मिनट के लिए। देखिए जी, आलू हमारे गल रहे हैं। देखिए जी, शोरबे को बॉयल आ रहा है, आलू भी हमारे गल रहे हैं। 5 मिनट के लिए अभी हम और रखेंगे, इसके बाद हम इसको उतार लेंगे। साथ हम बना रहे हैं पुलाव, चिकन पुलाव। 5 kg हम यहाँ पे चिकन पुलाव बना रहे हैं, हमारे घर मेहमान आए हुए हैं। इसको हम मिक्स करेंगे। आलू अभी हमारे कच्चे हैं,
थोड़ी देर अभी हम इसको और रखेंगे। लो भी बस हमारा हो चुके। थोड़ी सी अब हम इसमें कसूरी मेथी जो है ना वो ऐड करेंगे खुशबू के लिए। सालन में इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए जी सालन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। अब इसके ऊपर हम धनिया गार्निश करेंगे। तो देखिए जी माशाल्लाह से हमारा सालन रेडी है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए जी आज का हमारा लंच रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। रोटियां, आलू गोश्त, दाल गोश्त, पुलाव, सलाद, सलाद की रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ, चटनी।